एक्शन। जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, बल्कि एक कहानी नहीं एक सीख है, वो मैं आपको सुनाता हूं। दुनिया के सबसे खूबसूरत शब्द माँ और बाप। बेटा अपनी माँ से कहता है कि माँ तू हर बात पर कहती रहती है कि तुम माँ का कर्ज नहीं उतार सकता, तुम माँ का कर्ज नहीं उतार सकता। बेटा कहता है कि चल माँ आज मैं तेरा सारा कर्ज उतारता हूं। बेटा कहता है कि माँ ये ले तुझे सोना दिया, चांदी दिया, हीरे दिए, मोती दिए, तुझे सब कुछ दिया, पर मुझे ये नहीं सुनना कि तूने मेरे लिए क्या किया। तो माँ कहती है बेटा ये तेरे हीरे मोती सोना इन सबसे मेरा कर्ज नहीं उतरने वाला, तू ऐसा कर तू आज मेरे पास सो जा। तो बेटा कहता है कि माँ मेरे पास सोने से क्या तेरा कर्ज उतर जाएगा। तो माँ कहती है तू सो के तो देख। तो बेटा अपनी माँ के पास सो जाता है। तो मां जैसे ही देखते हैं कि बेटे की आंख लगने वाली है, मां आवाज मारती है बेटा एक गिलास पानी दे दे। तो बेटे को अंदर से गुस्सा बहुत आता है, पर बेटा क्या करे, वो मजबूर है, वो मां के लिए पानी लेकर आता है। कहता है कि मां ये लो पानी, पानी पियो। तो मां क्या करती है, मां पानी पीती है और सारा पानी अपने बेटे के बिस्तर पर गिरा देती है। तो बेटा चिल्ला के कहता है कि मां तूने ये क्या किया, अब मैं कैसे सोऊंगा। माँ कहती है कि बेटा मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। तो बेटा सो जाता है क्योंकि वो मजबूर होता है। माँ फिर से आवाज मारती है बेटा पानी। बेटा चिल्ला के बोलता है कि माँ तूने अभी पानी पिया और तू फिर से पानी मांग रही है। माँ कहती है कि बेटा क्या मैं पानी पीना भी बंद कर दूं। तो बेटा खुंदक में आके कहता है कि माँ मुझे यहां नहीं रहना, मैं जा रहा हूं अपने कमरे में। माँ कहती है कि बेटा जब तू छोटा था ना, जब तू दूध मांगता था, पानी मांगता था, मैं भाग के तेरे लिए सब कुछ लेकर आती थी, और मैं तेरे से अभी पानी मांग रही हूं और तू कह रहा है कि मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं। माँ कहा करती थी कि बेटा जब तू छोटा था ना, तू बिस्तर गीला कर दिया था, मैं सूखे में सोती थी, तुझे गीले में सुलाया करती थी, पर बेटा जिस दिन तुम बाप बनेगा ना, तब तुझे पता लगेगा कि माँ बाप का कर्ज क्या होता है। थैंक यू।